हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका भाई आपको 18 फरवरी को बताएगा कि भाई यहाँ 18 फरवरी को फिजिकल समाप्त हो रहे हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री के, उसके बाद में आपको बता देगा भाई आईटीबी कॉन्स्टेबल ट्रेडिशन के फिजिकल कब से हो रहे। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने वादा किया था उसी वादे के ऊपर खरे उतरता हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आ गया हूँ सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के, यहाँ पर ट्रेड्समैन की फिजिकल डेट के बारे में, एडमिट कार्ड की डेट के बारे में, फिजिकल की प्रोसेस और ट्रेड टेस्ट कब होगा, ये सब कुछ जानकारी आपको, हर एक चीज की अपडेट, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध कराने का काम करूंगा। दोस्तों मैंने आज से आपको 1 महीने पहले कुछ बोला था, यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो चीज बोली जाती है वो कुछ अपडेट होने के बाद ही बोली जाती है, और मैंने 1 महीने क्या वो अपने सीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री का फिजिकल स्टार्ट हुआ था उस दिन ही बोला था कि जो बोर्ड सीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडिशन का फिजिकल लेने आ चुका है जिस सेंटर के ऊपर, उसी सेंटर के ऊपर आपका सीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडिशन का फिजिकल होगा, तो वही बोर्ड आपका फिजिकल यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। ये जानकारी मैंने आपको 30 जनवरी को ही आपको अपडेट कर दी थी, यदि नहीं की तो दोस्तों जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए उनको पता है। अब बात आती है कि सर अभी हमें ये बता दो कि हमारा फिजिकल होगा कि नहीं होगा या कब तक हो सकता है। देखो मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने भी सीएपीएफ पर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज हैं उन सबको आदेश मिला हुआ है कि आप 31 तारीख तक, 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी जो भी भर्तियां निकाल रहे हो उनकी पूरी करो। देखो दोस्तों इस भर्ती का मेन रीजन क्या है, इन भर्तियों का मेन रीजन है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रोजगार मेला के तहत इस नौकरी को देना चाहती है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो भी मेरे दोस्त जो भी मेरे भाई हैं उनको पता होना चाहिए कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडिशन भर्ती 2020 से पेंडिंग में थी, सीएसएफ कांस्टेबल आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री आपका 2019 से पेंडिंग में थी, पर उसका भी अभी एग्जाम होने जा रहा है, तो इस भर्ती तो यार ये भर्ती तो नहीं है, इसको तो 100% होना ही है। देखो मेरे दोस्तों एक एक चीज को यहाँ पर कंफर्म करने से पहले एक आपसे बताना चाहता हूं कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 1 मार्च 2023 से, 1 मार्च 2023 से आपका फिर ये पोस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो आपका भाई आपके आने लायक हो, क्योंकि पता है ना आपको मैंने सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2019 में जो भर्ती आई थी उसके अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हूँ। यदि नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको पता होना चाहिए सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में अब 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें मैं मेडिकल अनफिट होने की वजह से बाहर हुआ था, जो मेरा एक नाम मेरे नाम का अजय है जो अभी आपका छत्तीसगढ़ में तैनात है, एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगती है उसकी। दोस्तों वो भी बंदा सिलेक्ट हुए थे, हम दोनों साथ में थे, उसको मेडिकल फिट था, मैं मेडिकल अनफिट था, तो मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज आपको पता है। तो दोस्तों ये पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या कुछ रहता है पेपर में, क्या कुछ रहता है, वो सब कुछ आपका भाई को जिसने पेपर पास किया उसको तो पता होगा ना। अब ये तो नहीं कि भाई मैं फेंक रहा हूँ दोस्तों, इसका सबूत भी चाहिए तो आपको सबूत भी कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा कि हाँ मेरा ये देखिए मैं अपने चीजें जो हाइड है वो पर्सनल चीजें हाइड करना जरूरी है, वो चीजें हाइड कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, देख लो दोस्तों ये फिजिकल पास का। तो दोस्तों जो चीज बताई जाती है ना वो रियल बताई जाती है, जिसका मेरा फिजिकल होता है रेवाड़ी, ठीक है ना, रेवाड़ी के पास एक छोटी सी जगह पड़ती है, वहां पर हमारा फिजिकल होता है सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का, ये चीज आप ध्यान रखना। एक हमारा फिजिकल होता है झरझर, उस वक्त मैंने 2 ट्रेडू से फॉर्म डाले थे तो हमारा एक फिजिकल होता झरझर। आप कहीं बोलेंगे सर 2 ट्रेडू से कैसे फॉर्म डाल जाते थे, अरे पहली पहली जो 2019 से भर्ती आई थी ना उसमें इतना सिस्टम नहीं था, उसमें इतना सिस्टम नहीं था कि आप इसमें 2 रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब की बार तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का फंडा समाप्त कर दिया, एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यार एक चीज बता दूं, जिसमें 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं मैंने बता रखा है, जैसे सीआरएम पे हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर में मैंने बोला था 2 रजिस्ट्रेशन होंगे, दोनों मेरे एडमिट कार्ड की डेट आ चुके हैं मेल के ऊपर, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ आपका फिजिकल, आपका प्रोसेस बताऊँ, 1.6 किलोमीटर की रेस है ना वो आपकी होगी, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी वो 6.5 मिनट में आपकी होने वाली है। इसके बाद में आपका हाइट टेस्ट, ट्वेटो का हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, कई कैंडिडेट बोलेंगे सर ये रेस तो हर कोई मार देगा, इसमें भी 40% बंदे ही पास होते हैं, 60% बंदे फेल होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रेस देखने में छोटी लगती है पर बड़ी जबरदस्त रेस होती है, क्योंकि जो सीआईएसएफ फिजिकल करवाती है ना वो करवाती है 11 बजे, 12 बजे, दोपहर को 1 बजे, तो दोपहर को 1 बजे जो बड़े बड़े धुरंधर है ना 5:30 में मारने वाले वो सुस्त जाते हैं, यानी वो चिपक जाते हैं, तो उनको बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत कीजिए कि आप कम से कम है ना
15 से लेकर 5:30 के बीच में आपका टाइम आ रहा हो, तो आप कभी भी जब चाहे आईटीबी से शाम को 11 बजे फिजिकल करवाइए, हम खड़े होके 6:30 मिनट में मार दे। दोस्तों मैं बताऊं, इसमें टाइम पूरा दिया जाता है, टाइम का कोई इसमें मेंशन नहीं होता, टाइम पूरा दिया जाता है। इसके बाद में आपका होता है ट्रेड टेस्ट। ध्यान रखना, आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। मेरा ट्रेड था बार्बर, हम कैंडिडेट पास हुए थे 140 के लगभग। टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए ट्रेड टेस्ट में, ये चीज आप ध्यान रखना। वो कैंडिडेट पास हुए मात्र और मात्र 17 बच्चे हम ट्रेड टेस्ट में पास किए, बाकी के सारों को ट्रेड टेस्ट में उड़ा दिया गया। तो आईटी आपका सीएसएफ का जो फिजिकल होता है ना, वो बड़ा ही ट्रेड टेस्ट में बड़ा ही टफ होता है। इस फिजिकल की प्रोसेस के बाद ही आपका तुरंत ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होता है, ये चीज आपको पता है। यदि नहीं पता था, ऑप्शन लेना, आपकी ट्रेड की तैयारी भी उतनी जबरदस्त होनी चाहिए जितनी जबरदस्त आपकी फिजिकल की तैयारी हो, ये चीज आप ध्यान रखना। दोस्तों ये चीजें आपको इतनी अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा, कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपका भाई आपको दे रहा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों बात करूं यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद में यहाँ पर आपका जो आपका कंडक्ट करवाया जाता है वो करवाया जाता है मेडिकल, जिसको बोले डीएमई रिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर होता है आपका आरएमई, जिसको बोले री मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि अब की बार तुरंत ही हो रहा है, और इसके बाद में आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। ये रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इन दोनों का पता चल गया। अब बात आती है ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, से कुक हो गया, वाटर कैनिन हो गया, इन सब की ट्रेड की मैं वीडियो आपको पल पल आपको ट्रेड की वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। भाई कौन से ट्रेड में किस तरीके से काम हो रहा है, वो ट्रेड का वीडियो आपको सेपरेट तरीके से उपलब्ध कराता रहूंगा। बात करते हैं यहाँ पर, देखो मेरे दोस्तों एडमिट कार्ड की, देखो यहाँ पर एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि 10 तारीख से 10 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। देखो मैं दोस्तों अफवाह नहीं बोल सकता इसको, इसको मैं इतना बोलूंगा, यही डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपका मार्च का फर्स्ट वीक आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। मार्च के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। जिस तरीके से मैंने बोला था कि 25 फरवरी के बाद भी आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, और वो की वो इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका 10 मार्च के लगभग यानी पहले भी आपका यहाँ पर 5 मार्च को भी फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। तो अपने दिमाग में डाल लो दोस्तों, आपका भाई जो अपडेट देगा ना वो सबसे पहले अपडेट देगा। ये चीज आप ध्यान रखना, फिजिकल आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो अपनी तैयारी को जी जान लगन मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होगी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन से रिलेटेड, वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे भाइयों।